हमेशा अपने इंस्टाग्राम रील से सभी का एंटरटेनमेंट करने वाली पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह इस समय बेहद गुस्सा है। वो इस समय एक अजीब दर्द से गुजर रही हैं। इससे पहले कि आप सभी ये सोचे कि उनके इस परेशानी की वजह कहीं पवन सिंह या फिर उनकी शादी तो नहीं है, तो बता दे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि जिस वजह से एक्टर की वाइफ आजकल परेशान है, जिसका दुख देखकर वो दुख बीता है एक नन्ही सी मासूम बच्ची पर। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे आगे जरूर, लेकिन इससे पहले आप एक बार नजर डालिए ज्योति सिंह के किए इस पोस्ट पर। Shame on humanity. 6-year-old girl brutally raped and murdered by the monster in Saidabad. We demand justice for Chetra. एक्टर की पत्नी ने इस नन्ही सी बच्चे जिसका नाम चेत्रा है उससे जुड़ा ये पोस्ट अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। हमें भी बताते हुए बेहद ही दुख हो रहा है कि इस 6 साल की नन्ही सी बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात को सैदाबाद में अंजाम दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। इस मासूम के साथ रेप जैसी शर्मनाक घिनौनी वारदात को कुछ लोगों ने अंजाम दिया है। सिर्फ यही नहीं, उन हैवानों की हैवानियत यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने इस बच्ची को ना सिर्फ असहनीय दर्द दिया बल्कि बेहद दर्दनाक तरह से इसका मर्डर भी कर दिया। यकीनन अगर आपके अंदर इंसानियत है तो ये खबर सुनकर आपका भी दिल छलनी हो गया होगा और रगों में खून खौल उठा होगा। ऐसे में भला एक्टर की वाइफ किस तरह शांत रहती। एक तरफ जहां पूरी इंडस्ट्री के एक्ट्रेसेस ने इस खबर की तरफ ध्यान देना तक जरूरी नहीं समझा, शायद उन सबके बीच शेरनी की तरह ज्योति सिंह ने इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए पोस्ट कर डाला। सिर्फ पोस्ट नहीं, ज्योति सिंह ने इस पोस्ट के कैप्शन में भी अपनी भड़ास निकालते हुए काफी कुछ लिखा है। To those who justify rapes with the length of the dress of the women, how about this? You will justify this case now? Justice shall prevail. R.I.P. to the innocent girl. आपको बता दें कि ज्योति सिंह की इस बच्चे के लिए इंसाफ के लिए लगाई आवाज में काफी लोगों ने उनका साथ दिया है। लोगों ने इस पोस्ट पर हजारों की तादाद में लाइक किए हैं और बहुतों ने तो कमेंट भी। बताते हुए बेहद ही अजीब लग रहा है कि ऐसी वारदातें समय के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। आपको बता दें कि ऐसी वारदातें समय के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। आज भारत में एक भी ऐसा नहीं दिन बीतता जिसमें ऐसी शर्मनाक हरकत की खबर टीवी अखबारों में देखने या सुनने को ना मिलती हो। ऐसे में कौन जिम्मेदार है, सरकार या फिर हम? ये सवाल आज अपने आप से कीजिए कि क्या जिस तरह ज्योति सिंह ने इस हरकत के खिलाफ शेरनी की तरह दहाड़ लगाई है, वही ऐसे मामलों में असली लगाम है? अब देखना रहेगा कि एक्टर की पत्नी की इस मुहिम को कितना न्याय मिलता है और इस बच्ची को इंसाफ कितनी जल्द मिलता है। फिलहाल आप अपना ओपिनियन इस बारे में जरूर रख सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।